दोस्तों, नीट पीजी के सारे स्टेट की काउंसलिंग की डिटेल इस वीडियो में आपको दी जाएगी। दोस्तों, ऑल इंडिया कोटा, डिम्ड और डीएनबी सारा डिटेल्स आपको रहेगा इसमें। देखिए, ये अंडमान एंड निकोबार का दिया है, जो कि क्लोज स्टेट है, एट टू स्टार्ट है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑल इंडिया कोटा, डिम्ड और डीएनबी का जो है कि 6 जनवरी का डिफर्ड कर दिया गया है, अभी केस चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश क्लोज स्टेट है, एट टू स्टार्ट। आंध्र प्रदेश ओपन स्टेट है, जो कि 30/11/21 रजिस्ट्रेशन डन फॉर कैटेगरी ए। आसाम है, बिहार है, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा। गुजरात क्लोज स्टेट है, 12 नवंबर से 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन। हरियाणा ओपन स्टेट है, एट टू स्टार्ट है। जितना अभी एट टू स्टार्ट लिखा है, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और जैसे मध्य प्रदेश है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, गोइंग ऑन चल रहा है। तो इससे आपकी नीट पीजी की जो पूरे अक्रॉस इंडिया की काउंसलिंग है, कौन सा स्टेट क्लोज है, ओपन है, कब शुरू हो रहा है, वो सारा डिटेल आपको इस वीडियो में दिया गया है, ठीक है। कुछ और स्टेट हैं, जैसे नागालैंड है, उड़ीसा है। अगर पौंडीचेरी की बात करें तो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग ख़त्म हो गया। पंजाब एक क्लोज स्टेट है, राजस्थान एक ओपन स्टेट है, अभी खुला नहीं है। और तमिलनाडु 25 नवंबर से खुला था, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन, ठीक है। और तेलंगाना आपका 20 से 27 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन, ओपन स्टेट है। लेकिन ये अभी जो ओपन स्टेट है, ये आपके लिए नहीं खुला है, केवल ए कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन है। त्रिपुरा है, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, एट टू ओपन, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स बहुत थोड़ा सा बनाने में मेहनत लगती है। चैनल पे न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।